यहाँ देखिए कि यहाँ क्या कमी हो जा रही है कि हमारे सिनेमा को लोग उतना नहीं देख रहे हैं, हमारे फिल्म हमारे गाने को तो 600 मिलियन लोग सुन ले रहे हैं। खेसारी भाई का गाना है, पवन सिंह का गाना है, रितेश पांडे, बहुत सारे लोगों का गाना है, सबका गाना सुन रहे लोग 400-500 मिलियन, लेकिन हमारे फिल्म को क्यों लोग इतना नहीं देख रहे हैं। एक साफ तौर पर एक बात बोले तो ये सिर्फ एक खेसारी लाल यादव की फिल्म नहीं है, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की रुख चेंज करने वाली फिल्म है, और ये फिल्म ऐसी है कि इस फिल्म से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल सकता है। बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि बिहार सरकार ये लागू कर दे कि जितना भी PVR जितना भी हॉल है उसमें एक सिनेमा जरूर ये लगाए, एक शो जरूर लगाए, जितना भी हो किसी का फिल्म हो, पवन सिंह, खेसारी लाल, किसी अन्य किसी का एक शो चलाइए, लेकिन भोजपुरी का चलाइए, इससे भोजपुरी का मान सम्मान और हम लोग का गर्व काफ़ी ऊपर बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़ और सिंगार न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं दिवाली फिल्म्स के ऑनर नितेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका भी, हम एकदम मस्त हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। रंग दे बसंती का आज रिलीजिंग हुआ है, फिल्म का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, खेसारी भैया को लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हम लोग एक दो PVR में भी गए थे, वहाँ पे हाउसफुल था जी, और काफ़ी गर्व हो रहा है और काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारी भोजपुरी की इतनी बड़ी फिल्म बनी हुई है और लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिनेमा घर तक जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है, क्योंकि भोजपुरी का हमको लग रहा है कि लास्ट फिल्म फरिश्ता था, फरिश्ता के बाद शायद ही इतना क्राउड और इतना भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आज से पहले लॉकडाउन से पहले आप लोग देखेंगे भोजपुरी का क्या सीन था कि सब पूरा भर जाता था, ऑडियंस सब पूरा भर जाता था, लेकिन पहले के अपेक्षा में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फरिश्ता आया, सुपर डुपर हिट हुआ, संघर्ष टू आया, ब्लॉकबस्टर एकदम हिट रहा, रंग दे बसंती से क्या लग रहा है, क्योंकि दर्शक इसको भी जबरदस्त प्यार दे रहे हैं। देखिए एक साफ तौर पे एक बात बोले तो ये सिर्फ एक खेसारी लाल यादव की फिल्म नहीं है, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की रुख चेंज करने वाली फिल्म है, और ये फिल्म ऐसी है कि इस फिल्म से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इस फिल्म में जो चीज दिखाया गया आपको शायद किसी भी भोजपुरी फिल्म में नहीं देखने के लिए मिला होगा, जिस प्रकार का स्टंट किया गया है, बहुत सारा ऐसा चीज है इस फिल्म में, नया चीज देखने के लिए मिलेगा। खेसारी भैया का 4 कैरेक्टर है इस फिल्म में, जब आप लोग देखिएगा इस सिनेमा का तो काफी मजा आने वाला है, और इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर एक फिल्म सुपर डुपर हिट होता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी टाइप का इससे भी बड़ा बड़ा फिल्म बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है कि हम पैसा लगाएं तो हमारा सिर्फ रिकवरी भी हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि हम भोजपुरी को आगे करें, वो पैसा कमा लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि और सबसे बड़ी कमी है जो हमारे बिहार सरकार की है, क्योंकि आप दूसरे इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे एक नियम रहता है कि आप कितना भी हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड सिनेमा चलाइए, लेकिन आपको एक शो देना पड़ेगा भोजपुरी, अपने लैंग्वेज को। तो आज बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि बिहार सरकार ये लागू कर दे कि जितना भी PVR जितना भी हॉल है उसमें एक सिनेमा जरूर ये लगाए, एक शो जरूर लगाए, जितना भी हो किसी का फिल्म हो, पवन सिंह, खेसारी लाल, किसी अन्य किसी का एक शो चलाइए, लेकिन भोजपुरी का चलाइए, इससे भोजपुरी का मान सम्मान और हम लोग का गर्व काफी ऊपर बढ़ेगा। भोजपुरी में एक कमी रहता था मल्टीप्लेक्स का, खेसारी लाल यादव वो भी पूरा कर दिए हैं कि जितना 250 से ज्यादा सिनेमा घर में लगा है, और हमको लग रहा है कि अधिकतर मल्टीप्लेक्स में ही लगा हुआ है, जहाँ पे भी जाइए मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगा हुआ है। आप ये फिल्म देखें, आपको कैसा लगा? बहुत ही तगड़ा, और वाकई भोजपुरी में आज तक ऐसा फिल्म नहीं बना था, समझे गेम चेंजर है फिल्म। बिल्कुल, खेसारी का कौन सा लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? वो आर्मी वाला है यार, गजब का लुक है, जब भूनते हैं एकदम गोली से भून देते हैं, गजब का, मतलब आर्मी वाला मूवी है, देशभक्ति मूवी है, देश के जवानों को लेकर के आप क्या सोचते हैं नितेश यादव का, क्या सोचते हैं? रुआ ऐसे है ना, रुआ खड़ा हो जाएगा फिल्म देखते हैं टाइम। बिल्कुल, इतना देशभक्ति इस फिल्म में भरा हुआ है कि इस फिल्म क्या क्या बोली बोली इस फिल्म को लेकर भोजपुरिया दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरिया दर्शक लोग से ये कहेगा चाहे हम के लोग जाइए फिल्म के देखी या फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाई, तभी ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर अच्छे अच्छे फिल्म लेकर आएंगे, और नहीं तो फिर वही होगा कि घिसा पीटा कहानी कि हीरो गुंडा के बहन से प्यार हो गए तो गर्ल हीरो प्यार कर लग, वही सीन बार बार देखने के लिए मिलेगा। जब तक ऑडियंस जाकर नहीं देखेगी जब तक अच्छा फिल्म कैसे आदमी लाएगा, और VFX का यूज कैसे करेगा, ग्राफिक्स का यूज कैसे करेगा जी। जब तक ये सब चीज़ आप लोग पसंद नहीं करेंगे, एक टेस्ट हो गया है भोजपुरी में, जैसे भोजपुरी पहले गाना था कि चोली घाघरा से आदमी ऊपर उठता ही नहीं था, लेकिन आजकल हमारे भोजपुरी के ऑडियंस इतने हो गए हैं कि 500 मिलियन 600 मिलियन जा रहा है। आप हिंदी के कई सारे गाना उठाकर देखेंगे जो कि बहुत बजते हैं, लेकिन उनका व्यू रहता है 80 मिलियन 100 मिलियन 150 200। तो ये हाँ देखिए कि यहाँ क्या कमी हो जा रही है कि हमारे सिनेमा को लोग उतना नहीं देख रहे हैं, हमारे फिल्म हमारे गाने को तो 600 मिलियन लोग सुन ले रहे हैं,
रहे हैं, खेसारी भाई का गाना है, पवन सिंह का गाना है, रितेश पांडे, बहुत सारे लोगों का गाना है, सबका गाना सुन रहे लोग 400-500 मिलियन, लेकिन हमारे फिल्म को क्यों लोग इतना नहीं देख रहे हैं? लेकिन अब वैसे दर्शक बन गए हैं कि भोजपुरी फिल्म को देखने के लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर परिवार के साथ जाकर इस फिल्म को देखिए और दिखाइए, अपने ऑफिस के लोगों के साथ सबको दिखाइए कि हमारी भोजपुरी में ऐसी फिल्म बनी है। आप लोग चलिए और देखिए, जो आप लोग भोजपुरी को बोलते थे कि ऐसा फिल्म बनता है वैसा फिल्म बनता है, नहीं, अब चेंज हो चुका है हमारा भोजपुरी। अब चलिए और मेरे साथ देखिए फिल्म को। कुछ लोग को होता है कि घृणा करते थोड़ा भोजपुरी से, बिहार से ही है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार हमारा स्टैंडर्ड ये है, हम भोजपुरी क्यों देखेंगे, हम जाके साउथ का फिल्म देखेंगे, बॉलीवुड का देखेंगे, भोजपुरी क्यों देखेंगे। लेकिन नहीं, आप अपने भाषा को महत्व नहीं दीजिएगा, अपने लोगों को महत्व नहीं दीजिएगा तो कोई आगे बढ़ना नहीं चाहेगा और कोई मेहनत करना ही नहीं चाहेगा। कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा, क्यों फंसाएगा? एक फिल्म फ्लॉप होगा, दो फिल्म होगा, तीन फिल्म होगा, अगर लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगेंगी तो कोई बनाएगा नहीं, फिर वही कहानी पे आ जाएगा कि गुंडा के बहन से प्यार भयला, लड़का हीरो गुंडा के बहन को उठा के लेकर भागल और लास्ट में गुंडा मारा जी, कहानी खत्म, फिल्म हिट हो गए। उन लोगों का सोच गलत है क्योंकि अभी देखिए हिंदी के कलाकार भोजपुरी में इच्छुक है काम करने के लिए। सही बात है, अभी भोजपुरी में काफी स्कोप बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भोजपुरी, समझ लीजिए जब फिल्म सिटी जो यूपी में बन रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार में भी जब फिल्म सिटी बन जाएगा तो बिहार और यूपी मेन स्कोप हो जाएगा। बिल्कुल मेन स्कोप हो जाएगा ये कलाकारों के लिए। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में आप कहे थे कि दिवाली फिल्म से खेसारी लाल यादव जी का प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाला है। गाना कब तैयार है? भैया के भी मुँह से सुने होंगे आप, भैया भी बोले थे मन से ही, भैया बोले थे कि नितेश के चैनल से बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है, और वाकई वो गाना बहुत ही प्यारा और काफी खूबसूरत गाना है जो कि हमारे युवा भाइयों को पसंद आएगा।